एक्सपेरिमेंट नंबर ए, ऑब्जेक्ट इज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फिल्टर ए ऑन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बाय रिकूट मेथड। तो ये आज का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जर्वेशन टेबल देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल दो बनेगी, एक जो हम प्रीकोट मेथड से कर रहे हैं, एक जो विदाउट प्रीकोट मेथड कर रहे हैं। तो सीरियल नंबर, देन स्लरी कंटेंट 20 ml लिया हमने, फिल्टर मीडिया में वाटमन फिल्टर पेपर लिया है, टाइम जो आएगा और टाइम का एवरेज, और हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो इसमें है वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन, एक प्रीकोट मेथड के साथ और एक है विदाउट प्रीकोटिंग। तो इस तरह से हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर प्रोसीजर की बात करें तो जो गिवन सैंपल हमारे पास हुआ है 5% कैल्शियम कार्बोनेट, 5 ग्राम जो है लेकर के कैल्शियम कार्बोनेट 100 ml में स्लरी बनाएंगे, ठीक है। दूसरी तरफ हम 5% बेटोनाइट लेंगे, बेटोनाइट क्या हमारा फिल्टर एड है, तो 100 ml का यहाँ पे एक स्लरी बनाएंगे। इस स्लरी को लेकर के हम वाटमन फिल्टर पेपर को कोटिंग कर देंगे, ठीक है। मतलब वाटमन फिल्टर पेपर को इसकी सॉल्यूशन में डीप कर देंगे, डीप करके फिर बाहर निकाल के एयर में ड्राई होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब वो ड्राई हो जाएगा तब हम इसको फनल पे सेट कर देंगे। किसको कर देंगे? इस वाटमन फिल्टर को जो कोटेड है बेंटोनाइट से, उसको हम इस पे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद जो है कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। फिल्टर होने के बाद, मतलब जब हम फिल्टर करेंगे तो जो टाइम लगेगा वो टाइम हम नोट कर लेंगे। ठीक इसी तरह से हम दूसरे में करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। यहाँ पे हमारा कोटेड नहीं है, जो वाटमन पेपर है वो कोटेड नहीं है, विदाउट कोटेड को हम फनल में यूज करके फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद जो टाइम लगेगा इसमें वो टाइम हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। इस तरह से हम टाइम को फाइंड आउट करके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट का सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट भी करके 100 ml डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। फिर इसके बाद हम मैग्नीशियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बनाएंगे। इसमें 5 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट भी करके लाएंगे और 100 ml डिस्टिल वाटर में मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम बेंटोनाइट भी ले सकते हैं क्योंकि वो एक फिल्टर एड की जैसे वो भी वर्क करता है। फिर इसमें प्री कोटिंग के लिए हम पहले 2 फिल्टर पेपर लेंगे, एक नॉर्मल फिल्टर पेपर लेंगे, एक में मैग्नीशियम की प्री कोटिंग करेंगे। इसको प्री कोटिंग के लिए इस फिल्टर पेपर को पहले मैग्नीशियम के सोल्यूशन में डिप कर देना है। डिप करने के बाद इसको निकाल के हम सनलाइट की प्रेजेंस में इसको ड्राई कर लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर जो फिल्टर है हमारा ड्राई हो जाएगा, फिर उसको फनल में सेट कर देंगे। फिर 20 कैल्शियम कार्बोनेट का सोल्यूशन जो हुआ है उसको हम लोग 20 ml मेजर कर लेंगे मेजरिंग सिलेंडर में। फिर इसमें एक नॉर्मल वाले फिल्टर पेपर में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और जिसमें कोटिंग करी हुई हमें मैग्नीशियम की उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसका टाइम देख लेंगे किस टाइम हम लोग ने फिल्टर करने के लिए इसमें डाला है, कितनी देर में टाइम ले रहा है, कितना फिल्टर होने में ये टाइम ले रहा है। फिर आप देख सकते हैं जैसे फिल्टर हो गया है तो इसका हम लोग ने टाइम ले लिया है। टाइम जो नॉर्मल वाला फिल्टर पेपर से हम लोग ने कैल्शियम कार्बोनेट को फिल्टर किया था उसका टाइम 9.12 सेकेंड आया है। एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो हमने टाइम लिया है वो 7.2। जैसे कि हमने इसमें देख सकते हैं कि हम लोग इसमें मैग्नीशियम के प्री कोटिंग कर देते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिकल में फिल्टर 8 की मदद से हम लोग को फिल्टर करना है तो इसमें फिल्ट्रेशन का इफेक्ट देखना था। तो इसका देख सकते हैं कि इसमें जब हमने फिल्टर 8 ऐड कर दिया था तो ये जल्दी हो गया फिल्टर, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी बढ़ गया। और इसमें जिसमें हम लोग ने मैग्नीशियम की कोटिंग नहीं करी हुई थी उसका फिल्टर देर में हुआ, उसका टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो ऐसे इससे हम जान सकते हैं कि जो हम फिल्टर एयर का है और रेट ऑफ
फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करता है। थैंक यू।